नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल फोगे सस्ती रेलवे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ आपको, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। और ऐसा स्ट्रेटजी, ऐसा आप लोग के लिए जो बताने वाला हूँ, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जिन बच्चों का सिलेबस भी नहीं तैयार है, उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, ग्रेडअप हो गया, टेस्ट बुक हो गया, या कोई भी कहीं से भी वाईफाई स्टूडियो कहीं से भी लगा रहे हैं, तो आप देखिएगा, जब आप एनालिसिस करते हैं तो देखिएगा 32% स्टूडेंट किसी प्रश्न को सही कर पाते हैं, किसी को 90%। तो आप सीधी सी बात समझिए, अगर किसी प्रश्न को 32% स्टूडेंट करके आ रहे हैं और किसी प्रश्न को 90% स्टूडेंट करके आ रहे हैं, आप वहाँ पर दिखता होगा कितने बच्चों ने ये प्रश्न नहीं किया है। तो आप सीधी सी बात समझिए, 90% वाले पर ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा कि 32% वाले पर? तो रेलवे भी उन्हीं प्रश्नों पर नॉर्मलाइजेशन देता है जिन प्रश्न को बच्चे कम अटेम्प्ट कर पाते हैं। जो हार्ड प्रश्न रहते हैं, यूनिक प्रश्न रहते हैं, उनको छोड़ देते हैं। अगर 90 वाले पर नॉर्मलाइजेशन देने लगेगा तो सबको मिल जाएगा नॉर्मलाइजेशन, सभी लोगों को अच्छे से मिल जाएगा। इसीलिए उन्हीं प्रश्नों पर नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है जिन प्रश्नों को बहुत कम बच्चे करके आते हैं, यूनिक प्रश्न होते हैं। और आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो आप अक्सर देखते होंगे कि किसी प्रश्न को कितने बच्चे सही करके आ रहे हैं। जैसे ये प्रश्न हमारा देखिए, 32% ओनली बच्चों ने सही किया। अब जिन 32 बच्चों ने ये किया होगा सही, उनको नॉर्मलाइज 100% मिलेगा इस प्रश्न पे। और जो बच्चे 90% किसी क्वेश्चन को करके आते हैं, तो 90% वाले में बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, उनको उतना नॉर्मलाइजेशन का फायदा नहीं होता है। मेन रीजन आपका यही होता, चाहे साइंस हो गया या मैथ हो गया, जितने भी न्यूमकल के प्रश्न रहते हैं, साइंस में भी हो गया, इसमें भी हो गया, जितने कम प्रश्नों को बच्चे अटेम्प्ट करते हैं और जो प्रश्न उस बच्चे अटेम्प करके आता है उसको मिलता है। जैसे 90% वाला भी बच्चा करके आएगा तो 90% वाले में कम नॉर्मलाइजेशन के चांस रहते हैं। लेकिन जो 32% 25% बच्चे करके आते हैं, तो देखिए कम बच्चों पे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अगर 90% वाले पे देने लगेंगे तो फिर सबका रिजल्ट निकल जाएगा। इसलिए आप इस मेथड को समझिए, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, और मैं आप लोग लिए इसी टाइप के प्रश्नों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ताकि आपका जिसका 28 को भी एग्जाम है या किसी अदर डे है, जिसका सिलेबस भी नहीं तैयार है, उनके लिए मैं बहुत बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। आप टेस्ट सीरीज लगाइए और जो चीज़ें आप यूनिक बच्चे नहीं करके आ रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं 32% या 25% स्टूडेंट का, देखिए करेक्ट कितने बच्चों ने किया, 25% ने, तो आप उस प्रश्नों को ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं इसी टाइप के आप लोगों के रेगुलर प्रैक्टिस कराऊंगा, आपके एग्जाम तक 100% तैयारी करा दूंगा। जिनका सिलेबस भी नहीं तैयार है, उनके भी अंदर से डर खत्म हो जाएगा और नॉर्मलाइजेशन चीज़ें जो होती हैं, मैं पूरा आप लोग डेफिनेटली समझाऊंगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए अब इस प्रश्न को बताता हूँ, इस प्रश्न को कैसे हल करना है, कहाँ पर बच्चों ने गलती की है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, इसी प्रश्न को मैं दिखा रहा था आप लोगों को। देखिए कहाँ पे बच्चों ने गलती की है और प्रश्न को जल्दबाजी में नहीं समझ पाए, प्रश्न को समझेंगे। सबसे पहले एग्जाम में प्रश्न को अच्छे से समझेंगे। यह दी गई श्रृंखला में प्रत्येक पद को बाईं ओर से उनके स्थान के अनुसार 1, 2, 3 संख्या दी जाए तो चिन्हों के स्थान के आंकिक मान का योग क्या होगा। यहाँ पर समझिएगा, चिन्हों के स्थान के आंकिक मान का योग क्या होगा। अब देखिए कहाँ पे बच्चों ने गलती की होगी, मुझे पता है कि जो हमारा चिन्हों का न लेकर सब संख्याओं को जोड़ा होगा, हर चीज़ को जोड़ा होगा, लेकिन हमको सिर्फ चिन्हों से मतलब है, किसका, चिन्हों से। तो पहले हमारा इनका नाम देते थे, ये 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, आपका ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 हो गया, ये 12 हो गया, आपका ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, ये 15 हो गया और ये 16 हो गया। देखिए बता रहा हूँ अभी आपको, एक अच्छा तरीका भी बताऊँगा। अब क्या बोला गया, चिन्हों के, तो चिन्ह किस स्थान पे है, तो देखिए हमारा जो चिन्ह है किन किन स्थान पे है, चिन्ह हमारा देखिए इस ये जो प्लस वाला है 2 पे है, 1 हो गया, इनका योग करेंगे 2, और आपका दूसरा कौन सा है, 6 नंबर वाला, 5 नंबर वाला नहीं, 6 नंबर वाला, ध्यान समझिएगा, जो हमारा ये डॉलर वाला चिन्ह 6 नंबर वाला हो गया और प्लस आपका जो हैश टैग है 7 नंबर वाला हो गया, प्लस, ठीक है, 7 हो गया, आपका ये कौन सा हो गया, ये प्रश्नवाचक वाला 10 हो गया और प्लस आपका ये क्या स्टार वाला 11 हो गया, और 11 के बाद हमारा एट द रेट वाला कौन सा बचा, ये 13 बचा। अब इन सब को जोड़ना है हमको, देखिए 2, 6, 7, 10, 11 आपका 13, इन सब को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 49, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे। अगर देखिए हमसे पूछा क्या गया था, चिन्हों के स्थान के आंकिक मान का योग, तो हम इसको छोड़ देते, चिन्ह किस स्थान पर, 2 पे आ गया, और इसके बाद ये वाला किस स्थान पे, यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5,
उसके बाद यहाँ पे देखेंगे छः स्थान पे ये है, सातवें स्थान पे ये है, आठ नौ दस, दसवें पे आपका प्रश्नवाचक है, ग्यारहवें पे स्टार है, दस हो जाए ग्यारह बारह तेरह, तेरह पे ये है आपका एट द रेट है। अब इन्हीं हमारे चिन्हों का स्थान को योग करना, दो का योग करेंगे प्लस छः का योग करेंगे प्लस सात का योग करेंगे प्लस दस का योग करेंगे प्लस ग्यारह का योग करेंगे प्लस तेरह का। अब इन सब सबको जोड़ लेंगे तो हमारा कितना आ जा रहा है 49, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए प्रश्न को समझने में आपको बहुत दिक्कत होगी, प्रश्न एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, मैं कहता हूँ कभी भी प्रश्न को पढ़े तो एक बार धीरे धीरे आराम से पढ़ लें शांति से, उसके बाद जब पढ़ लेंगे ना तो अपने आप ऑप्शन की भी मदद लेके कर सकते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ चिन्हों का मतलब लिया गया था, हमसे अक्षरों से कोई मतलब नहीं था, चिन्हों का स्थान देख के उनका योग कर लेते आपका आंसर आ जाता। चलिए देखिए सेकेंड क्वेश्चन भी है आपका, वहीं से मैं लेके आया हूँ, अभी बता रहा हूँ कितने % बच्चों ने उसको सही किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, देखिए इस प्रश्न को आपको केवल 20% बच्चों ने सही किया था, केवल 20% बच्चों ने सही किया था। देखिए अभी बता रहा हूँ, आप भी अगर एक बार खुद से मैं कह रहा हूँ कोशिश करिए, आप लोग नहीं विश्वास है तो आप लोग कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके और हल करके आप लोग देखिए कहाँ पर गलती करते हैं। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, आप देखिए एक स्वर को समझिए, हमारा जो स्वर होता है क्या होता है, ए आपका ई ठीक है, आई और यू ठीक है, ये स्वर होता है। तो देखिए यहाँ हम दो तरीके से हल कर सकते हैं, जो हमारा ये स्वर होता है इसको दो तरीके से हम हल कर सकते हैं। यहाँ देखें दो स्वर है, यहाँ एक स्वर है, यहाँ पे एक स्वर है, यहाँ पे स्वर है ही नहीं, तो इसको कई तरीके से लगा सकते हैं। आपका देखिए यहाँ पे स्वर नहीं है तो आपका यही जो हो गया बिल्कुल अलग है, आपका तो ऐसे भी लगा सकते थे। लेकिन एक तरीका और है हमारा, देखें ए देखिए इसका स्थान एक है, ये क्रम अनुसार ये स्वर होता है, याद भी रखिए कभी कि क्रम के अनुसार पूछ लेता है, दो तीन चार ये पांच ही स्वर होते हैं, इनका क्रम है ये। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में हमारा ए का स्थान पहले नंबर पे आता है ठीक है, और स्वर का भी स्थान पहले नंबर पे आता है, तो ये भी नियम सही हो गया। बी देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में इसका स्थान दूसरे पे आता है ठीक है, बी का, और स्वर में भी देखें तो ई का मान दूसरे पे आता है, ये भी सही हो गया। डी का देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला में इसका स्थान चौथा है, ओ का देखें तो इसका भी अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान कितना है, चौथा है, तो मतलब हमारा ये सही है। लेकिन इसका देखें ना तो इसमें स्वर है ना तो कोई स्थान है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही अलग है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वो और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को तो आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। देखिए कैसे करना है, अभी कुछ लोग इसका ए का मान रखते, एम का मान रखते, ओ का रखते, जैसे ए का रखते एक, एम का रखते आपका 13, ओ का रखते आपका 15, यू का रखते 21, एन का रखते आप लोग 14, टी का 20, एस का आप लोग रखते आपका एस का कितना होता था पी क्यू आर एस, आर का 19 रखते तो इसको जोड़ते, जो कि ये नहीं आता। तो देखिए सिंपल तरीका है, और एक चीज़ आप लोगों को और बता दे रहा हूँ, अगर रीजनिंग में बेस्ट स्कोर परफॉर्म करना है तो आप ABCD के अक्षरों को ऐसा याद करिए, ऐसा याद करिए आँख मूंदते ही बता दीजिए कि इसमें कहाँ को इसका मान कौन से अक्षर पर आएगा। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, इसमें देखें कितने अक्षर हैं, एक दो दो हो गया, तीन हो गया, चार पाँच छः सात है, तो इसमें सात है तो इसका तीन गुणा किया गया है क्या होगा 21 आ गया, 7 × 21। इसमें देखिए एक दो तीन चार, चार है इसमें, चार आपका अक्षर है, चार में तीन गुणा किए 12 हो गया। इसमें देखें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ है, ये टोटल कितना अक्षर है 8, इसका तीन गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 24 हो जाएगा। देखिए ये सिंपल प्रश्न था, बहुत कम बच्चों ने इसको, कम से कम 45% बच्चों ने सही किया था, लेकिन क्यों उन्होंने नहीं कर पाए, अदर जो आपके 55% बच्चे थे वो ये कर रहे होंगे, इसका मान रख के जोड़े होंगे ठीक है, इस क्या किए होंगे, इसका मान रख के जोड़े होंगे, इसका मान रख के जब जोड़े होंगे तो वो नहीं कर पाए होंगे, तो इसीलिए उनसे गलती हो गई होगी। लेकिन यहाँ पे मान नहीं रखना है, आप प्रश्नों को समझिए कैसे लग रहा है, कैसे फॉलो हो रहा है, मैं आपको इसी टाइप के प्रश्नों को प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, इस प्रश्न को कम से कम हमारे बच्चों ने कितना सही किया था, कम से कम बच्चों ने इसका कितना किया था, 26% बच्चों ने इसको सही किया था। देखिए उन्हीं 26 बच्चों को नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा अगर ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में भी करके आते हैं, प्रश्न को समझें बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा मैं आप लोगों को। यदि BACKFIELED शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो पुनर्व्यवस्थित होने के बाद कौन सा अक्षर F के दाएं से दूसरा होगा। देखिए जो चीज़ें नहीं समझ में आती उसको पॉइंट व्यू कर लीजिए क्योंकि ज़्यादा अच्छे समझ में आती है हमको। देखिए यहाँ हिंदी में लिखा गया बहुत अच्छे से, इसका जो अंग्रेजी वर्णमाला होता है उसी के अनुसार पहले व्यवस्थित करें, पहले करिए, आपका A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा, D हो जाएगा, आपका E हो जाएगा, E दो बार है, E हो जाएगा, F हो जाएगा ठीक है, क्या हो जाएगा आपका F हो जाएगा, F के बाद देखिए कौन बचा है आपका I बचा है, I J नहीं है ठीक है, उसके बाद K बचा है, उसके बाद L बच गया,
देखिए, इनको हम जो अंग्रेजी वर्णमाला में जिनका जो एक सीक्वेंस होता है क्रम अनुसार होता है, उनको व्यवस्थित कर दिए। अब बोला क्या गया प्रश्न समझेंगे, पुनर्व्यवस्थित मतलब व्यवस्थित हो गया। पुनर्व्यवस्थित होने के बाद कौन सा अक्षर एफ, एफ कहाँ है, यहाँ है, एफ के दाएं से दूसरा, एफ के दाएं से दूसरा, एफ एफ का ये है, एफ का दायां इधर रहेगा, दाएं से दूसरा आई हो गया, दूसरा क्यों हो गया, के हो गया, तो दूसरा के है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए बहुत सारे बच्चे गलत किए होंगे, वो इधर निकाल दिए होंगे एफ का दायां। आपका देखिए ऑप्शन में अगर ई भी दिया है तो ई भी टिक कर देते, लेकिन नहीं समझेंगे हमसे क्या बोला गया है, एफ का दायां। तो देखिए एफ का दायां कौन है, ये दायां इसका इधर हो जाएगा, तो दायां दूसरा कौन है, पहला ये है, दूसरा के है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए इस टाइप के प्रश्नों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। मैं उम्मीद करता हूँ जिनका सिलेबस भी नहीं कवर है जिन बच्चों का, उनका भी नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा हो जाएगा, उनका भी अच्छे से CBT 1 क्लियर हो जाएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। CBT 2 के लिए टाइम मिलेगा, आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे, लेकिन CBT 1 के लिए आप लोग एक अच्छे से तैयारी करिए। जो मैं दे रहा हूँ आपको, जो तरीका दे रहा हूँ, शायद पूरे यूट्यूब पर कोई ऐसा नहीं बताएगा जो प्रैक्टिकली करके मैं दिखा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। हम रेगुलर आप लोगों के लिए ऐसे प्रैक्टिस की क्लास लाएंगे, मैथ और रीजनिंग दोनों को बताएंगे, आप जिस टॉपिक में भी कहेंगे साइंस में भी वीडियो बना देंगे। लेकिन आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो बच्चे सिलेबस नहीं कवर कर पाएंगे उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदा हो। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह के और महत्वपूर्ण क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद।